नवागत एडीजी वेंकटेश्वर राव ने आज 11 बजे रिवर एंड की कमान संभाल ली है। एडीजी राव कामकाज को लेकर काफी संजीदा दिखे। कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने जहां पदभार ग्रहण किया, वहीं थानों में पहुंचकर पुलिसिंग व्यवस्था की जानकारी भी ली। इस दौरान डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी नवनीत भसीन, एसपी शिव कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और पुलिसिंग कार्यवाही की जानकारी दी। आपको बता दें कि डीआईजी केपी वेंकटेश्वर ने कहा है कि संभाग में कानून व्यवस्था एवं थानों में बेहतर पुलिसिंग के लिए नवाचार किया जाएगा, जिससे संभाग में और बेहतर कानून व्यवस्था बनाई जा सके, साथ ही लोगों को अच्छा न्याय भी मिल सके। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारियों एवं बल की कमी होगी, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान रिवर एंड की कमान संभालते ही श्री राव कार्यालय से काम पर निकल पड़े और वे पुलिस कंट्रोल रूम, सिविल लाइन थाना आजाक एवं नवनिर्मित ट्रैफिक थाने का निरीक्षण करके न सिर्फ जानकारी ली बल्कि आवश्यक निर्देश भी दिए। हम आपको बता दें कि रीवा पहुंचने वाले दोनों अधिकारियों की वर्किंग काफी संजीदा दिखी है। एसपी नवनीत भसीन के बाद आईजी भी पदभार ग्रहण करते ही पुलिसिंग व्यवस्था को सीधे तौर पर देखने के लिए मैदान में उतर आए हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के किए गए तबादले में रीवा के दो पुलिस अधिकारियों का तबादला हो गया था। रीवा एसपी रहे राकेश सिंह के तबादले के बाद उनकी जगह नवनीत भसीन ने सोमवार को पदभार संभाला, तो वहीं आईजी उमेश जोगा के जबलपुर ट्रांसफर के बाद उनकी जगह बालाघाट में पदस्थ रहे नवागत एडीजी वेंकटेश्वर राव ने गुरुवार को रीवा रेंज की कमान संभाल ली है। आइए सुनते हैं रीवा रेंज के एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अंश। आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी रीवा संभाग को लेकर के, इन जिलों में काफ़ी अपराध भी बढ़े हैं? जी तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ, आज आईजी रीवा एडीजी हूँ मैं। तो प्राथमिकता हमारा तो प्रायोरिटीज तो पहले से फिक्स है। पहला तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, कौम में शांति रहे, हमारा यही है। और जो भी क्राइम होता है उसमें शीघ्र अतिशीघ्र हम उसमें कार्रवाई करेंगे और न्याय व्यवस्था बना के रखेंगे, यही हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा। सर क्या नवाचार होगा कानून का लाने के लिए? तो हमारा जो पुलिस स्टेशन बेसिक यूनिट है उसी में हम ज़्यादा काम करेंगे, बेसिक पुलिसिंग, उसमें कसावट लेके आएंगे। कई ऑफिसर्स की कम पड़ती है, कई पुलिस की कर्मचारी कम पड़ती है, उसमें हम लोग अभी चर्चा कर रहा था ना, कई अधिकारियों की कमी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर को लेके आएंगे, उसको फिर कसावट अपने आप ही आ जाएंगे, अच्छे अधिकारी को लेके। नशे पे कैसे लगाम लगाएंगे? नशे में तो अभी तो पता चला है नशा के चल रहा है, इसमें बड़ा दुख की बात है, हम इसमें बंद करवा देंगे। बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ है जी। यूपी पुलिस चाहिए, क्योंकि मेरे बैचमेंट हैं वहाँ पे, हम लोग खर्चा करते रहेंगे, कसावट लाएंगे, जरूर लाएंगे, आपको दिखाएंगे हम। सर